मुख्य समाचार। हमारा काम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाना और लोगों को जोड़ना है, कहा राजीव युवा मितान सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने। युवाओं में उत्साह का संचार। 90 विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में गहमा गहमी का माहौल। हर विधानसभा से पेश किए जाएंगे 3-3 दावेदारों के नाम। बस्तर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार शुरू। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को लेकर पहुंच रहे पालक। सीपत बिलासपुर में होने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप में शहर के विश्वजीत भट्टाचार्य निभाएंगे मैच कमिश्नर की भूमिका। और 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में संभाग भर से पहुंचे लगभग 250 खिलाड़ी। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ आज मैं शफक मीर। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव युवा मितान सम्मेलन में भाग लेने रायपुर पहुंचे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने दीप प्रज्वलन और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर राजीव युवा मितान सम्मेलन की शुरुआत की। कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा काम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाना है और लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जो वायदे हमने किए थे वो पूरे किए हैं। किसानों को सही दाम दिलाया गया है और बिजली बिल हाफ किया गया है। युवाओं से रूबरू होकर राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रदेश को प्रगति की राह में ले जाने के लिए युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया है, जिसमें 3 लाख युवा जुड़े हैं। श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सेंटर है और छत्तीसगढ़ से दुनिया को युवा ही जोड़ सकते हैं। राहुल ने कहा कि नफरत और हिंसा से देश आगे नहीं बढ़ता और ना ही इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर मोहब्बत के साथ इज्जत के साथ रहना है। यह सबसे पुराना मैसेज है जिसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिया। कुछ साल पहले मैंने बघेल जी से एक बात कही, मैं जहां भी जाता हूं तो युवाओं से पूछता हूं कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। वे बोलते हैं बेरोजगारी। मैंने श्री बघेल से कहा कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल हैं, हर जिले में आप कुछ अलग सा बनाते हो, छोटे उद्यमियों को बैंक लिंकेज नहीं मिल पाता। मैंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी से कहा कि आपका फोकस इन पर होना चाहिए, इसकी मार्केटिंग हो। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री बघेल जी ने इस पर काम शुरू कर दिया है, इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश का केंद्र है, आपको देश का लॉजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक सेंटर बन पाए। आप दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए, इससे छत्तीसगढ़ की प्रोडक्ट केवल भारत नहीं दुनिया में भी जाएं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज इस छत्तीसगढ़ के धरती पर बहुत सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है हम युवाओं के बीच में। युवाओं को संबोधन करने के लिए हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और देश के केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाल कर देश को संदेश दिया। आदरणीय साथियों, आज देश बंटवारा की ओर है, आज देश आग की लपेटों में है, उसको अगर शांत करना है तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने एक शांति का संदेश पैगाम लेकर देश के आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। आदरणीय साथियों, ये युवा सम्मेलन आज माननीय राहुल गांधी जी, ये युवा सम्मेलन
सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाते हैं और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को जानकारी देना, उनको लागू करवाना, उनको मदद करना, सुख दुख में साथ देना, ये युवा मितान के सम्मेलन में हमारे आए सभी कार्यकर्ता, ये तन मन धन से लगे हुए आदरणीय साथियों, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस 4.5 साल के 4.25 साल की सरकार में बेहतर काम हुआ है आपके निर्देशन में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर एक योजना, हर एक वर्ग, हर समाज के लिए जनहितकारी योजनाएं लागू की। छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे 90 विधानसभा सीटों पर विधायक सीट के लिए टिकट वितरण होनी है, जिससे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी गहमा गहमी का माहौल है। हम आपको बता दें कि इसी क्रम में बस्तर संभाग में भी 12 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके लिए टिकट वितरण होनी है। इस हेतु केंद्रीय चुनाव स्क्रीन कमेटी के सदस्य एल हनुमंथैया विगत 2 दिनों से बस्तर प्रवास पर हैं और बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के राजीव कांग्रेस भवन में डटे हुए हैं और यहां कांग्रेस के पदाधिकारी और छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं और लगातार चर्चा कर बस्तर संभाग के पूरे 12 विधानसभा सीट के लिए रायशुमारी कर रहे हैं, जिससे वह अपने रायशुमारी से विधायक के प्रमुख दावेदारों, प्रत्येक विधानसभा से 3-3 दावेदारों का नाम लेकर वे कांग्रेस के हाईकमान तक पहुँचेंगे और इस तरह 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट वितरित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगे ग्राम सरगीपाल के ग्रामीण अपने सरपंच के खिलाफ FIR की मांग को लेकर बोधघाट थाना पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम के मंदिर के विषय में बैठक की गई थी, जिसमें सरपंच सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। सभी की सहमति से यह तय हुआ था कि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जो रकम स्वीकृत हुई है उसमें कमी होने पर ग्रामीणों द्वारा चंदा के माध्यम से सहयोग किया जाए और उसे भव्य रूप में बनाया जाए, परंतु सरपंच ने मनमानी कर निर्माण करवाया और अब गुपचुप तरीके से वन भूमि को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हस्तांतरित कर लिया गया है, जबकि ग्राम सभा में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया गया था। सरपंच के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल की जांच की जाए, पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए निर्माण कार्यों की जांच की जाए और उस पर FIR दर्ज की मांग को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में बोधघाट थाना पहुंचे हैं। ये मेरा नाम प्रकाश सौ है, ग्राम सरगीपाल का हूँ। हम लोग आज सरपंच के कार्यों के खिलाफ वैम उसके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग गाँव वासी आए हैं बोधघाट थाना। जी, क्या परेशानी आ गई? परेशानी इस प्रकार का है, उनके जो 4 साल के कार्यकाल में जितने भी कुछ भी कार्य आया हुआ, जैसे नाली का कुछ भी, उसमें किसी में हम लोग विविधा उत्पन्न नहीं किए। इस बार हमारे जो ग्राम मंदिर जो है, ग्राम देवी जलने के लिए जो माता है और ग्राम देवी है, उनके कार्य के लिए, मरम्मत के लिए कुछ पैसा आया हुआ था, स्वीकृत आया हुआ था। उसमें हम लोगों ने कोतवाल से मुनादी करवाया, सब गांव वाले को बुलवाया गया और पंचायत में एक जगह बैठी ग्राम सभा के थ्रू से, उसमें सरपंच को बुलाया गया और उसमें ये बोला गया कि जो भी पैसा आया हुआ है, जैसा भी है, अगर उसको अच्छा से करना है अपने को, क्योंकि हमारा माता मंदिर है और उसको अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा अपने को, और कम ज़्यादा होगा उसमें गांव वाले भी पैसा डालेंगे, इस प्रकार से बात हुआ। तो सरपंच बोली थी कि हाँ, हम लोग वैसे ही करेंगे, अभी काम को रोक देंगे, और ऐसा नहीं हुआ। वो 2-4 दिन के बाद वो अपने से काम स्टार्ट करने लग गई, फिर उसके बाद गाँव वाले भी चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। अभी दो महीना हो गया बन के, पर अभी क्या हो रहा है, हम लोग कुछ चीज़ को उसके लिए हम आवेदन दिए हैं, जो कि अच्छा चीज़ है, ट्रांसपोर्ट नगर जो है, हम लोग उसके लिए आवेदन दिए हैं, बट उसको लेके वो एक एक बंदे को टारगेट कर रही है। जैसा मेरे को पहले भी मेरे खिलाफ वो आवेदन दे चुकी है कि मारपीट कर चुका है मेरे साथ करके, जबकि हम लोग गाँव वासी जाते हैं किसी भी काम के लिए, पर वो ना
अलग तरीके से टारगेट करके वो बुधगढ़ थाना में आती है और आवेदन देती है। अभी भी मेरे खिलाफ आवेदन दी है वो कि अपने प्रकाश साहू जो है मेरे कार्य में स्वयं मंदिर बनाने के कार्य में ये परेशान करता है, मतलब प्रशासन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, इस प्रकार का आवेदन दिया गया है। और गांववासी इसको देखते हुए ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का काम और होगा। आज प्रकाश को टारगेट किया गया है, कब कल दूसरा व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा। तो हम लोगों को न्याय चाहिए और उसमें जो भी कार्य हुआ है उसमें जाँच हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम लोग ग्रामवासी यही चाहते हैं। मैं अमरनाथ यादव हूँ, सचिवपाल का हूँ। कैसे आए थे यहाँ पे आप लोग? जी हम लोग आए हैं प्रकाश साहब को बताने में कुछ काम के लिए बुलाए हैं, बोल के नाम दर्ज हुआ है, बोले गांव वाले पता चल गया तो हम लोग आए हैं प्रकाश साहब को क्या यहाँ पे गलत आरोप लगा है बोल के बताए, तो गांव वाले सब मिल के आए हैं। कौन लगाया गलत आरोप? गलत आरोप तो सरपंच लगाए हैं। और आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि अपना गांव का काम सही तरीके से होना चाहिए। अपना खुद का काम होने से हम सब गांव वासी को पूछ पाछ के काम होने का विचार है। बिना पूछे मनमानी काम कर लेती है और क्या है कि कोई श्याम सजन किसी को नहीं बताती है, अपना बात को नहीं मानता है। क्या नाम है उसका? कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के ने शुक्रवार को हड़ताल में गए 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21 अगस्त 2023 से हड़ताल में हैं। इस कारण लोकहित से जुड़ी नागरिक सेवाएं और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए और सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के चलते बर्खास्त किया गया है, वहीं इस बर्खास्तगी के फैसले को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने तानाशाहीपूर्ण फैसला कहा है। इसके विरोध में सोमवार 4 सितंबर को विरोध प्रदर्शन की बात फेडरेशन के सदस्यों ने कही है। उनका कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों से सरकार चर्चा करने के बजाय एस्मा लगाकर निलंबन की कार्यवाही करते हुए हिटलर शाही का नमूना पेश कर रही है, जिसकी निंदा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी की है। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कुल 12 संगठन मिलकर स्वास्थ्य कर्मचारी फेडरेशन के वहां पर अपनी 5 सूत्र मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके चलते अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बस्तर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 13 सितंबर तक वजन त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन लेकर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। बीते कल शुक्रवार से शुरू हुए वजन त्यौहार में बस्तर जिले के शहर और गांव के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वजन करने पालक बच्चों को लेकर पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए सुपरवाइजर निशा पांडे। जी मैडम, अपना परिचय देंगे और आज बताएंगे कितने लोगों का वेट हुआ है। मैं निशा पांडे सुपरवाइजर जगदलपुर शहरी परियोजना में हूँ और मेरा सेक्टर का नाम है जगदलपुर पूर्व सेक्टर जो है वो, और मेरे सेक्टर के अंतर्गत आज चार आंगनवाड़ी सेंटर में जो है वजन हो रहा है और इस वक्त हम जो है सिविल लाइन वार्ड में उपस्थित हैं। आज सुबह से जो है यहाँ पर मैं बहुत देर तक थी, सारे बच्चे पेरेंट्स जो है अपने उनको लेकर साथ में आ रहे थे और उसके बाद अभी तक जो हमारे टोटल यहाँ पर 56 बच्चे हैं, उनमें से 37 बच्चों का वजन अभी तक हम कर चुके हैं और एक बच्चा ही हमारा गंभीर कुपोषित बच्चा निकला है जो स्कूल जाने वाला बच्चा है और उस बच्चे के पेरेंट्स भी आए थे तो मैंने उनको स्पेशली ग्रेड दिखाते हुए पोषण स्तर बताते हुए समझाया कि 15 दिन जो है NRC में अपने बच्चों को भर्ती रखने की ज़रूरत हो रही है और वो पेरेंट्स जो है वो भी तैयार हुए हैं, अगले 2 दिन में उन्होंने हमें बताने का वादा किया है और बच्चों को जो है वहाँ पर भर्ती करेंगे करके। तो सभी पेरेंट्स जो है बहुत उत्साह से अपने बच्चों का वजन करवाने आ रहे हैं और सारे बच्चों का
ग्रेड सामान्य में आ रहा है, तो यहाँ बच्चे भी मतलब पेरेंट्स के माध्यम से बच्चे भी बहुत अच्छे स्वस्थ हैं और पेरेंट्स जागरूक हैं, ये कहना चाहूँगी मैं ज़रूर कि सारे बच्चे जो हैं वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज स्वस्थ बच्चे निकल के आ रहे हैं। और ये हमारा वजन त्यौहार जो चल रहा है ये पूरे राज्य में चल रहा है, जो 1 से 13 सितंबर तक चल रहा है इस वक्त, और उसमें सभी आंगनवाड़ी जो हैं हमारे कवर करेंगे, सारे 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे आंगनवाड़ी में दर्ज हो चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, उन सभी बच्चों का जो है हम लोग यहाँ पर वजन करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र में, और उनके पेरेंट्स को पोषण स्तर की जानकारी दे रहे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल हमारे अभी 37 बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, 56 बच्चे जो दर्ज हैं और अदर्ज जो दोनों मिलाकर सर्वेक्षित में हैं, तो 37 बच्चे हमारे आ चुके हैं। बाकी और बच्चों को अभी हमारा 5 बजे तक चलना है, 9:30 से लेकर 5 बजे तक आंगनवाड़ी सेंटर खुली रहेगी और इस दौरान वजन का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, तो उसमें अभी और बच्चों को कार्यकर्ता सहायिका सभी जो है लेकर आ रहे हैं। तो केवल वजन की बात मैं नहीं करूंगी, वजन के साथ साथ हम बच्चों की ऊंचाई ले रहे हैं, साथ में बाह की जो परिधि होती है वो भी ले रहे हैं, उससे भी हम जो है बच्चे के पोषण स्तर को ज्ञात कर सकते हैं और पेरेंट्स को जो है हम पूरी जानकारी इसमें दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों की पोषण स्तर की जांच वजन त्यौहार के माध्यम से की जाती है। इसका उद्देश्य कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। इस दौरान सभी विकास खंडों में क्लस्टरवार वजन त्यौहार का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी गाँवों और शहर के आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 वर्ष के बच्चों का वजन और ऊंचाई और उनका पोषण स्तर का माप लिया जा रहा है। वजन त्यौहार के माध्यम से कुपोषित बच्चों के आंकड़े प्राप्त होने पर इनमें कमी लाने लक्ष्य का निर्धारण कर कार्य योजना बनाई जाएगी। सुकमा जिले के मीनपा ग्राम में पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि थाना चिंता गुफा के अधीन ग्राम मापा में नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए सिलगेट निवासी कोरसा कोसा की हत्या कर दी। ग्रामीण कोसा एक लंबे समय से आंध्र प्रदेश में मजदूरी कर रहा था। कोसा कुछ दिनों पूर्व अपने ससुराल पलागुड़ा बीजापुर गया हुआ था, जहां से नक्सलियों ने उसका अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 85 और 222 बटालियन की टीम बीजापुर थाना अंतर्गत पालनार तोड़का सावनार की जंगलों में सर्चिंग के दौरान विस्फोटक सहित सावनार डीए के एमएस अध्यक्ष आयतु पदम उम्र 35 वर्ष को पकड़ा, जिसके पास से एक थैला, एक नग टिफिन बम वजन करीब 5 किलोग्राम, 2 नग जेलेटिन कार्टिकस वायर और डेटोनेटर बरामद किया गया। आयतु पदम पुलिस पार्टी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इसे प्लांट करने की योजना बना रहा था। पकड़े गए माओवादी को वैधानिक कार्यवाही के पश्चात न्यायिक प्रमाण पर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में बस का टायर फट जाने के बाद वो पेड़ से जा टकराई। हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है, वहीं बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे रायगढ़ के केवड़ा बारी बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर निकली राधास्वामी बस क्रमांक CG13AJ2219 तमनार के मिलापुरा जा रही थी। इस बीच घरघोड़ा थाना से 3 किलोमीटर पहले झारी पीली के पास बस के सामने का टायर फट गया। टायर फटने की तेज आवाज से सभी यात्री घबरा गए। इधर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में बस के सामने बैठे कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है। बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। इस बस को पंजी पथरा से होते हुए तमनार मिलपुरा जाना था, लेकिन इस रास्ते की सड़क बहुत खराब होने के कारण बस चालक घरघोड़ा की तरफ से यात्रियों को लेकर तमनार जाने के लिए निकला था, लेकिन इससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई। सीपत बिलासपुर में होने जा रहे सीनियर मेंस इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में मैच कमिश्नर, रेफरी, एसेसर व पोस्टिंग इंचार्ज के रूप में बस्तर अंचल के सीनियर रेफरी विश्वजीत भट्टाचार्य को छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा नियुक्त किया गया है। यह चैंपियनशिप 4 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित होगी। इसमें इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के 8 सीनियर रेफरी मैच संचालित करेंगे।
सीनियर मेंस इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में 14 जिलों की टीम हिस्सा लेगी, जिसमें डीएफए नारायणपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, कोरिया, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बालोद की टीमें शामिल हैं। इन मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए किया जाएगा, जिसमें वह छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में अजय सिंह, अशोक गोंडाले, शांतनु घोष और विजय विश्वकर्मा को रखा गया है। फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को सीपत बिलासपुर में खेला जाएगा। गौरतलब है कि श्री भट्टाचार्य को 79 ऑल इंडिया फाइनल मुकाबला खिलाने का अनुभव प्राप्त है। इस चैंपियनशिप में वह मैच कमिश्नर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बस्तर जिला फुटबॉल संघ ने उनको मिली इस महती जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में आरंभ। बस्तर संभाग से इस 11वीं इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता में करीब 250 जूडो खिलाड़ी और 25 अधिकारी कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बस्तर जिला जूडो संघ के सचिव अब्दुल मोइम ने बताया कि विगत कई वर्षों से निरंतर जूडो प्रतियोगिता में बस्तर संभाग के कोने कोने से जूडो खिलाड़ी भाग लेकर अपनी जगह बनाकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में 10 वर्ष से कम सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी। प्रतिस्पर्धा घमासान होगी। उठा पटक, लॉक चोक के साथ खिलाड़ी प्रथम आकर अपनी जगह आगामी होने वाली राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए बनाएंगे। नीलेश कुमार पांडे, मेरा नाम है। इंटर स्कूल जूडो चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ में वीर सावरकर भवन में 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें लगभग खिलाड़ी 250 आए हुए हैं, जिसमें से सुकमा भानु प्रतापपुर प्लस दंतेवाड़ा, सुकमा प्लस जगदलपुर, ये 4-5 जगहों से खिलाड़ी जिलों से आए हुए हैं। इन में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था किया गया है। कितने बच्चे आए हैं? टोटल 250 खिलाड़ी आए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसे सफल पूर्वक बनाने का एक प्रयास है, जिसमें ताकि हमारे बस्तर से बाहर की कोई भी खिलाड़ी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छे से अपना प्रदर्शन करें, कम से कम बस्तर की मेडल हो लाए। मैं यशवंत पांडे, जगदलपुर बस्तर से जी। मैं 7 साल से जुड़े खेल रहा हूँ और मैं 4 बार नेशनल खेल चुका हूँ, उसमें मेरा खेल इंडिया हो चुका है, उसमें मेरा पोजीशन टॉप 10 में आ चुका है। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये सर के अंडर हो रहा है इंटर स्कूल, उसमें मैं अभी रेफरी हूँ। कैसा लगता है आप लोग को ये खेल? ये सब तो सर के आशीर्वाद से करते हैं, हम जो ये बचपन से चालू किए हैं, ये हमें मुझे अच्छा लगता है। जूडो खेलना जो मेरा पहला मतलब लव स्पोर्ट्स है वो जूडो ही है। एक नज़र और मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। हमारा काम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाना और लोगों को जोड़ना है, कहा राजीव युवा मितान सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने। युवाओं में उत्साह का संचार। 90 विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में गहमागहमी का माहौल। हर विधानसभा से पेश किए जाएंगे 3-3 दावेदारों के नाम। बस्तर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार शुरू। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को लेकर पहुंच रहे पालक। सीपत बिलासपुर में होने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप में शहर के विश्वजीत भट्टाचार्य निभाएंगे मैच कमिश्नर की भूमिका। और 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में संभाग भर से पहुंचे लगभग 250 खिलाड़ी। बस्तर की बात में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।